हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग बाय नेहा में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक न्यू मिनी ब्लॉग बनाया है जिसमें मैं बनाऊंगी भिंडी। हाँ जी, भिंडी, लेकिन दही वाली भिंडी आज की हमारी रेसिपी है। इसके लिए हम 2 से 4 चम्मच बड़े दही के ले लेंगे। दही हमें टाइट और गाढ़ा गाढ़ा सा लेना है। इसमें हमें मिलाना है कुछ मसाले, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अवॉइड क्या करना है, नमक और हल्दी। उसके बाद आपके किचन में धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, जो भी आपके पास है आप वो सब इस दही में मिलाइए। देखिए, अच्छे से हमें फेंट लेना है जब तक कि मिक्स ना हो बहुत अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हमें सेट करने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट्स हमें इसे अलग रख देना है। मिक्स किया एंड अलग रख दिया। जी दोस्तों, उसके बाद बारी है भिंडी की। तो हमें भिंडी कुछ इस तरीके से काट लेनी है। अगर आपको इस तरीके से कटी हुई भिंडी पसंद ना आए तो आप उसे कैसे भी अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं। काटने के बाद ले लेनी है कढ़ाई और इसको हमने करना है डीप फ्राई। उसके बाद हमें इसे निकाल के अलग रख देना है। उसके बाद कढ़ाई में हमें करनी है तड़के की तैयारी, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। मैंने तड़का लगाया है जीरा से, मिर्च से, और उसके बाद प्याज को भूनना है। प्याज को भूनने के बाद हमें उसमें मसाले ऐड करने हैं, और उसके बाद हमारा जो मैरिनेट करा हुआ दही था वो हमने इसमें डालना है। देखिए, इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। आप बेटर होगा कि इसकी जो फ्लेम है उसे बंद कर ले दही डालते टाइम, क्योंकि होता क्या है, टेम्परेचर चेंज होता है तो दही फट जाती है। दही को फटने से बचाने के लिए फ्लेम बंद कर दें, फिर मिक्स करें एंड फिर फ्लेम ऑन करें, और उसके बाद उसे अच्छे से मिलाएं उबाल आने तक। ये देखिए, उबाल आएगा तो दही पतली होती जाएगी। ये देखिए, और उसे तेज़ तेज़ घुमाना है ताकि ये फटे ना। फिर ये देखिए, हमें लेना है पानी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें पानी डाल देना है। ये देखिए, ताकि ग्रेवी बने बढ़िया। और उसके बाद हमें इसे चलाना है, उबाल आने हैं, और अब इसे चलाते रहना है जब तक कि उबाल ना आ जाए। दोस्तों, रुकिएगा मत चलाना, क्योंकि फिर दही फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं डाल रही हूँ भिंडी, और एक उबाल आने के बाद हमारी दही भिंडी हो जाएगी रेडी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।